गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टैंडर्ड फर्स्ट मैथ्स चैप्टर 2 पेज नंबर 77। टुडेज टॉपिक इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीरो। हाउ मेनी बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांच। ये ब्रांच दी हुई है, उस पे कितने बर्ड्स बैठे हैं, तो चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4। कितने बर्ड्स हैं बच्चों? 4 बर्ड्स। All 4 birds fly away. Now, how many birds are there on the branch? अब सारे birds हैं जो ये pictures में दिख रहा है आपको, उड़ गए branch पे। सारे जितने भी birds थे कितने थे? 4 birds, वो उड़ गए। यानी अब कितने बचे? अब कोई बचा है? कोई नहीं बचा। कोई नहीं बचा यानी zero. Zero को कैसे लिखते हैं? Round shape में। Zero का spelling क्या होता है? Z-E-R-O, zero. फिर आपको ये आपकी बुक में पेज नंबर 77 पे ये लिखना है, ठीक है? Zero. Zero का स्पेलिंग क्या होगा? Z-E-R-O. क्या होगा? Zero. ठीक है? How many objects do you find in the following boxes? अब यहाँ पे आपको क्या करना है? तो ये कितने बॉक्स हैं? 1 2 3, यानी कितना लिखा हमने? 3। नेक्स्ट 1 2 3 4, कितने बॉक्सेस हैं? 4। अब देखो ये बॉक्स में कितने बॉक्सेस हैं? कोई है गिफ्ट बॉक्स? नहीं। यानी क्या होगा? 0। क्या होगा? 0, Z-E-R-O, 0। नेक्स्ट पेज नंबर 78, एक्सरसाइज 2.2। राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द बॉक्सेस वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे क्या आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ऐसे उसको काउंट करके लिखना है, ठीक है? तो ये फ्लावर्स कितने हैं? 1 2 3 4, बॉक्स में लिखा हुआ है। फिर ये बॉक्स में कितना है? कुछ है फ्लावर्स? नहीं। कुछ नहीं होता मतलब जीरो, Z-E-O-R-E, जीरो। नेक्स्ट 1, सेकंड वाला, चलो काउंट करो। 1 2 3 4 5, कितने बॉल्स हैं? 5, F-I-V-E, 5। यानी इस बॉक्स में हम आंसर क्या लिखेंगे? 5। नेक्स्ट बॉक्स में बॉल्स कितने हैं बच्चों? कुछ नहीं। कुछ नहीं यानी जीरो। जीरो का स्पेलिंग क्या होगा? Z-E-R-O, जीरो। नेक्स्ट कितने बॉल्स हैं? 1 2 3, यानी क्या लिखेंगे हम बॉक्स में? 3, T-H-R-E-E, 3। थर्ड वन, इस बॉक्स में कुछ है? कोई भी मोमबत्ती है? नहीं है। कोई कैंडल नहीं है यानी जीरो, Z-E-R-O, जीरो। फिर इसमें काउंट करो, इस बॉक्स में कितनी है कैंडल्स? 1 2 3 4 5 6, कितनी कैंडल्स हैं? 6। नेक्स्ट 1 2 3 4, कितनी कैंडल्स हैं? 4, F-O-U-R, 4। आपको ये आपकी एक बुक में ऐसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है बच्चों? थैंक यू।